अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज हम नई रेसिपी लेकर आते हैं करेले और प्याज की। करेले और प्याज हम बनाते हैं, ये देखिए पहले मैंने ये प्याज ली है। ये मैंने मीडियम 4 से 5 मतलब काट प्याज की ले ली है। उसी के साथ ये मैंने गरम मसाला भी लिया है और ये आधा किलो से थोड़े से ज्यादा 600 ग्राम हमारे करेले हैं और इसी में हमारी ये रेसिपी होगी। ये देखिए लाल मिर्ची पाउडर, धनिया की हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, लाल कश्मीरी मिर्च एंड नमक, गरम मसाला और ये सौंफ। ठीक है, अब हम देखिए ये मैंने प्याज को पहले से मतलब कट करके रख लिया है और ये करेलों को मैंने सबसे पहले वॉश किया था जब लेकर आई थी। साबित करेलों को वॉश करके मैंने कट करके इसमें नमक लगाकर रख दिया था। कम से कम 1 से 1.5 घंटा या 2 घंटे भी आप रख सकते हैं। नमक लगाकर रख दिया था, फिर नमक लगाकर रखा, फिर मैंने इसको दोबारा से वॉश करके और फिर मैं अब ये इस तरह से मैंने सुखा लिया है इसको। अब मैं इसको देखिए फ्राई करती हूँ। ये मैंने देखिए 2 जगह तेल लिया है, एक यहाँ 2 जगह। एक जगह मैं करेले डालूंगी। ये देखिए टाइम 2 जगह मैंने एक ये प्याज का दूसरी जगह मैंने दूसरी कढ़ाई में मैंने प्याज फ्राई करने के रख दी है। अगर अगर आप लोग चाहें तो दो एक ही जगह मतलब इसको कर सकते हैं। पहले आप करेले कर लीजिए। ये देखिए मैंने प्याज डाल दी है इस तरह से और ये देखिए अगर आप चाहें तो एक ही जगह दोनों को कर सकते हैं। पहले करेले फ्राई कर लें उसके बाद प्याज फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर दो जगह का यूज किया है कि करेले अलग फ्राई किए हैं और प्याज अलग फ्राई की है। प्याज को ना पिंक होने दीजिए, पिंक होने तक इसको फ्राई करिए अच्छे से। अभी ये मेरी प्याज देखिए कच्ची है, इसको और थोड़ा सा फ्राई करना है। इधर ये करेले भी मेरे देखिए अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा सा आपको और जब तक ये करेले थोड़े से चुरमुर जैसे हो जाते हैं इस तरह से इन्हें करिए। लेकिन अभी ये और फ्राई होंगे, कच्चे हैं अभी ये। यहाँ पर इसमें डालने के लिए देखिए ये मैंने कच्चा आम लिया है, मीडियम साइज में कच्चा आम ले लिया ये मैंने। इसको अभी मैं छील कर और इसमें डालूंगी काट कर। और ये देखिए ये मैंने 5 हरी मिर्च ली है, इसमें काट कर डालूंगी अभी मैं। लेकिन अभी करेले फ्राई होने के बाद अरे करेले फ्राई हो गए हैं अच्छी तरह से। ये देखिए और अच्छे से ये चुरमुर हो गए हैं। इस तरह से आप इसको फ्राई करिएगा और इसी में जो ये प्याज फ्राई की थी अब मैं इसमें ये प्याज मिक्स कर देती हूँ। ठीक है, इसको अच्छे से चला लिया है। ये देखिए करेले और प्याज मैंने यहाँ पर मिक्स कर दिया है। इसी के साथ में ये कच्चा आम डाल दिया है यहाँ पर मैंने और ये लाल मिर्च, ये लाल मिर्च पाउडर है। आप लाल मिर्च या कोई सी भी मिर्च अपने हिसाब से डालिए जैसे भी आप खाते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 चम्मच से यूज किया है रेड पाउडर। ये देखिए हल्दी पाउडर है, ये हल्दी पाउडर भी आप जैसे भी आपका टेस्ट हो आप उस हिसाब से डालिएगा। ये धनिया पाउडर है, ये देखिए धनिया पाउडर है, धनिया पाउडर भी मैंने थोड़ा ही लिया है 1 चम्मच से भी कम। और ये देखिए नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए जैसे भी आप खाते हैं। यहाँ पर देखिए ये मैंने कलौंजी भी मिक्स की है, थोड़ी ज्यादा नहीं डाली। ये सौंफ और ये मेथी दाना भी हम थोड़ा ही डालेंगे, ज्यादा नहीं डालेंगे। ज्यादा मैंने डाल दिया है इसमें। यहीं पर ही मैंने ये कश्मीरी लाल मिर्च, ये देखिए थोड़ी कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, हरी मिर्च है, ये देखिए ये हरी मिर्च मैंने 5 हरी मिर्च आपको दिखाई थी, लेकिन अब ये ज्यादा हो जाएगा तो मैं सिर्फ 3 ही हरी मिर्च इसमें डालूंगी क्योंकि ये साइज भी काफी बड़ा है, तो 3 ही हरी मिर्च डालनी है। अब अच्छे से इसको मिक्स कर दीजिए। इसको हम कम से कम 10 मिनट तक पकाएंगे। ये साबित धनिया भी थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये हरी मिर्च काट के डाल देते हैं। ठीक है, हमारे करेलों को देखते हैं हम अच्छे से। ये मैंने कम से कम 10 मिनट मतलब धीमी गैस पर बनाए थे मैंने ये, और ये अब हमारे बनकर बिल्कुल रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज्यादा टेस्टी लग रहे हैं और मजेदार भी हैं। चलिए अब हम इनको सर्व करते हैं। प्लीज आपको मेरे करेले प्याज पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब प्लीज जरूर करिएगा। थैंक यू।